बेलीपर थाना क्षेत्र के ढहरा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आनाफानन में मृतक युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर डेड बॉडी को मोर्चरी हाउस में रखवा दिया। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह 26 वर्षीय युवक अर्जुन पुत्र भरत निवासी ढहरा सेवई बाजार थाना बेलीपार की मृत्यु हो गई। परिजनों के मुताबिक युवक काफी समय से शराब पीता था, आज सुबह भी शराब पीकर आया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं इस संबंध में SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जानकारी हुई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक के भाई रमेश, प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर SK श्रीवास्तव और SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा। तब क्यों पीता था? एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं था उसके पास पीने के लिए। सुनो, मरी भारत हमारे पास आया है, बॉडी को मोर्चरी में रख रहे हैं, लाल कर ठीक है। जल्दी हमारा उमेश नाम है सर। हमारा भाई सुबह मैं गया घर पे तो सोया था, फिर पता चला कि दारू पी के सोया है। फिर उसके बाद मैं इधर डायरेक्ट हॉस्पिटल लेकर आया सर। सुबह आपका भाई कहीं गया भी था? हाँ, गया था दारू पीने के लिए। क्या स्थिति है आपके भाई की? भाई हमारा मर चुका है सर। ऐसा ज्ञात हुआ है इमरजेंसी से, जो डॉक्टर ने हमको बताया है कि एक युवक जो है अभी आधे घंटे के पहले करीब जो है आया हुआ है, ब्राड डेड करके आया था, तो उस डेड बॉडी को जो है मार्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। बाकी आगे की क्या प्रक्रियाएं हैं वो पुलिस वाले जो है अपना तय करेंगे कि क्या करना है इसमें। एक व्यक्ति का संज्ञान में आया थाना बेलीपार में, उसकी उसके परिजन जो बताएं कि उसको हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी डेथ हुई है और वो शराब पीने का आदी था, तो उसको पता कराया जा रहा है और डिटेल जो पता चलेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी।